का प्रोग्राम चलेगा, आपका खाने का प्रोग्राम भी रखा है। सबसे पहले मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, जो जहां पर है वो वहां पर सुने, मेरे चेहरे की तरफ देखिए। सम्मानित साथियों, सबसे पहले इस दुनिया को सबसे अच्छा जीने का रास्ता बताने वाले बुद्ध को नमन करते हुए, फूले साहू बाबा साहब को नमन करते हुए, मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए, जो इन सभी महापुरुषों के आंदोलन को लेकर के चल रही हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए आज इस मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण बिक्कू संघ और सभी सम्मानित साथियों, मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, आप सभी को जय प्रकाश, अपनी तरफ से जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, सारी बातें आपके सामने हो चुकी है, आपको मालूम है 2 अप्रैल के भारत बंद के आंदोलन में हमारे जिन भीम सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, चालाक किस्म के लोगों ने उस दिन को इतिहास के पन्नों से हटाने का प्रयास किया, किस प्रकार से किया, जैसे भारत देश की आजादी में हमारे बहुजन समाज के बहुत से लोगों ने अपनी शहादत दी थी, लेकिन मूर्ति उनकी लगवाई गई देश में जिनका आजादी से कोई खास संबंध नहीं था। तो हमने सोचा, उदाहरण के लिए मंगल पांडे की लगवाई गई, माता दीन बंगी की नहीं लगवाई गई थी मेरे समाज के लोगों। आपको मालूम है आपके बीच में ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, हमने सोचा इसी दिल्ली रामलीला मैदान में 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे कन्वेंशन हुआ है, हमने भी सोचा उसके अगले दिन उनकी नाक के नीचे ही बहुजन समाज के सम्मान के लिए यहाँ पर हम लोग सभा करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत जल्दी इस देश में क्रांति करने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जो समाज अपने समाज के अधिकारों के लिए जान देना सीख जाता है, अगर उससे आगे एक कदम बढ़ जाता है तो अगले कदम में अपने अधिकारों के लिए किसी की जान लेना भी सीख जाता है। भाई ओए, ओ भाई, कौन है नदी को उल्टा पहाड़ पे चला देने के समान है। ऐ मेरे समाज के लोगों, इस देश में बाबा साहब के आंदोलन काम करने का होता है, दूसरे को ललकारना है। इस देश के चालाक किस्म के लोगों, हमने तुम्हारे सारे वेद पढ़ के देखे, और स्मृति पढ़ के देखी, रामायण गीता महाभारत पढ़ के देखी, और पढ़ने के बाद पता चला कि सारे के सारे खोखले हैं। अगर यकीन नहीं आता तो तराजू के एक पढ़ लेते, अपने सारे ग्रंथ रख करके देख ले, और तराजू के दूसरे पढ़ लेते, मेरे बाबा साहब का अकेला एक संविधान रख करके देख, पता चलेगा कौन कौन है, कौन भारी है। ऐ मेरे समाज के लोगों, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग क्रांति करने के लिए जा रहे हैं, ये प्रकृति का नियम है। पहले किसी बात की आवाज, पहले किसी विचार की मजाक उड़ाई जाती है, जैसे मान्यवर साहब काशीराम से लोग कहते थे, इसके पैर में चप्पल नहीं है, बदन पे कपड़े नहीं है, ये सरकार बनाएगा ये आदमी। आपने देखा आज वही लोग ये कह रहे हैं, हम भी अपनी नेता बहन कुमारी मायावती का साथ देने के लिए तैयार हैं। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम सदियों से मांगते आए हो, तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें मांगने वाला नहीं देने वाला बनाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, आप लोग बोलते थे 22% आरक्षण चाहिए, 27% चाहिए। आपके बीच में अभी कुछ दिन पहले उन लोगों ने 10% आरक्षण किससे मांगा,
आपसे मांगा। और सबसे पहले आपकी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, जाओ हम तुमको आरक्षण देते हैं, जाओ, क्योंकि माननीय साहब काशीराम ने हमें मांगने वाले के बाद देने वाला बनाने का काम किया है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन है, इस देश में आपका देश होने वाला है। आप लोग मालूम होगा, बहन कुमारी मायावती जी ने और अखिलेश यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले हमारे अखिलेश यादव जी कहते थे हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पे पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पे पहुंचाने का काम किया। तो जाओ मिस्टर अखिलेश साहब जी, ये भीम के सिपाही बहन जी के अनुयायी तुमको वचन देते हैं, अगर आप बीजेपी को 5 सीटों पे पहुंचाने का काम करेंगे तो हम भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 0 पे पहुंचाने का काम करेंगे। है मेरे समाज के नौजवान साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, गुलामी के लिए जीने से अच्छा है आजादी के लिए मर जाना। नहीं जीना हमको ज्यादा दिन, जितना जीना है सम्मान के साथ जीना है, क्योंकि हम कहना चाहते हैं जरा हम भी तो देखें ये जलती आग शमशान की, जाकर के विरोधियों से कह देना हमको डराने की कोशिश ना करें, अब हमें परवाह तक नहीं है अपनी जान की, हम बाबा साहब के आंदोलन में अपनी जान तक दे देंगे। बहन जी को उत्तर प्रदेश का नहीं, सीएम नहीं, अब की बार इस देश का पीएम बनाने का काम करेंगे। ऐ मेरे समाज के लोगों, आपके बीच में बहुत सी अफवाह लेकर के लोग आते हैं, मैं आपके बीच में पहले भी था आज भी हूं, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा आ जाओ हमारी पार्टी में, आ जाओ, आ जाओ हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा जयप्रकाश मर तो सकता है लेकिन बहन जी को छोड़ के किसी दूसरे को नेता स्वीकार नहीं कर सकता। अरे समाज के लोगों, उन्होंने कहा हम तुमको ये बना देंगे, हम तुमको वो बना देंगे। मैंने कहा साहब जी, जब इस आंदोलन पे चल के हम बहन जी को उत्तर प्रदेश का 4 बार सीएम बना सकते हैं, तो इसी आंदोलन पे चल के एक दिन अपनी बहन जी को इस देश का पीएम बनाने का काम करेंगे। मेरे समाज के नौजवान साथियों, ये पवित्र उद्देश्य है। मेरी बीआर बौद्ध जी से बात हुई, मेरी सागर साहब से, मेरी माथुर जी से बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा जयप्रकाश हम तेरे साथ जब तक हैं, जब तक तू बहन जी का साथ देगा, जाओ हम तुमको वचन देते हैं। समाज के लोगों, ये जयप्रकाश तुमको वचन देता है, नंबर 1 बहुजन समाज पार्टी की आरपीआई की तरह टुकड़े नहीं होने दिए जाएंगे, हम तुमको वचन देते हैं। दूसरे नंबर पे आपको ये आपका बेटा, आपका भाई वचन देता है, आपके आशीर्वाद से चाहे तो 15 दिन आजमा लेना, चाहे 15 महीने अजमा लेना, चाहे 15 साल अजमा लेना, लेकिन ये जयप्रकाश आपको मरते दम तक बहन जी का काम करता हुआ नजर दिखाई देगा। मुझे किसी भी मेरे समाज के नौजवान साथियों, बहन जी ने मुझको इतना कुछ दिया है जो किसी और को नहीं दिया, अब तो ये देखना है कि मैं बहन जी को क्या दे सकता हूँ। अपनी अपनी चमड़ी की जूती भी पहनाऊंगा बहन जी को, तब भी मेरे लिए पूरा नहीं होगा, बहन जी के आंदोलन में काम करता रहूंगा। मेरे समाज के लोगों, आपका आंदोलन सही गति पकड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इस देश के अंदर जब ये देश आजाद हुआ था तो गांधी के नाम से राजनीति होती थी, सब लोग टोपी लगा के घूमते थे कि हम भी गांधी के भक्त हैं, हम भी गांधी जी को मानते हैं। आज आपने देखा कोई भी इस देश में गांधी का नाम लाने को तैयार नहीं है। आज इस देश की पूरी राजनीति डॉक्टर अम्बेडकर के इर्द गिर्द तुमको घूमती हुई दिखाई दे रही है। आज सभी कहते हैं मैं भी बाबा साहब को मानता हूं, मैं भी बाबा साहब को मानता हूं, क्यों? क्योंकि उनको पता है आज की डेट में गांधी की टोपी में वोट नहीं है बल्कि अंबेडकर के कोट में वोट भरा पड़ा है, तो सभी कहते हैं मैं भी बाबा साहब को मानता हूं। मेरे समाज के लोगों, इस देश में कहा जाता था
कि जय भीम बोलने से एमपी एमएलए नहीं बन सकते, सरकार नहीं बन सकती। आज आपने प्रूफ कर दिया, अगर पहले जय भीम बोलने से किसी की सरकार नहीं बन सकती थी तो आज की डेट में बिना जय भीम बोले भी किसी की सरकार नहीं बन सकती है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों और भाइयों के लिए कहना चाहता हूं, एक लाइन में कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, मेरे चेहरे की तरफ देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है जिस पे बेस बना करके हमने ये प्रोग्राम पूरी टीम ने आप सबने आयोजित किया है। ध्यान से सुनिए, जो समाज अपने समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोगों का सम्मान नहीं करता, उस समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा होने बंद हो जाते हैं, और जिस समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा नहीं होते हैं उस समाज के अधिकारों को तुम ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख सकते। है मेरे देश के वीर सपूतों, आपके लिए इन भाइयों ने अपनी शहादत दी है, और मैं कहना चाहता हूं शहादत से बड़ी कोई इबादत नहीं होती है इस देश के अंदर। मैं कहना चाहता हूं दुश्मन से जिन्हें पाया बड़ी मुश्किल से वो यू ही खो नहीं सकती, विरोधी लाज चाले उन्हें ये मिल नहीं सकती। भीम के नाम पे जीना है, भीम के नाम पे मर जाना, शहादत से बड़ी इबादत कोई हो नहीं सकती। हम जब तक जिंदा है बाबा साहब के आंदोलन के लिए काम करते रहेंगे। हम भीम और काशी के बेटे हैं, हम हरगिज डर नहीं सकते। हमें मालूम है मरने से पहले हम मर नहीं सकते। जो कायर है वो कायर है जो दुश्मन के आगे झुक जाते हैं। हम भीम के और बहन जी के सिपाही हैं, हम जिंदगी में किसी के सामने झुक नहीं सकते। मेरा आप लोगों से निवेदन है सम्मानित साथियों, ये प्रोग्राम इसलिए आयोजित किया है, आज ये स्टैचू आपके बीच में परिजनों को दी जाएगी, हमारे ही माध्यम से ये उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद दिल्ली और उसके बाद उस क्षेत्र के कॉमन प्लेस पे जहां सुरक्षित रह सके वहां पे लगवाई जाएगी, जिससे कि पत्थर के नीचे ये लिखा जाए ये बालक शहीद नहीं हुआ है, बल्कि ये बालक मरा नहीं है बल्कि इस समाज के खातिर शहीद हुआ है। इसलिए मेरे समाज के नौजवान साथियों, एक हमारे बीच में यहाँ चरणजीत सिंह बैठे हुए हैं पंजाब से, आपको मालूम है उनके पैर काम नहीं करते। जब मैं इनके घर पे इनके आमंत्रित करने के लिए गया था सम्मानित साथियों, मैं ब्रीफ कर रहा हूं, जब ये मेरी गाड़ी पे बैठे मैंने इनको बात बताई कि आपके बेटे को शहीदी की उपाधि ये समाज देने जा रहा है, तो हमारे चौधरी चंद्रजीत सिंह जी ने जो हमारे बहुजन समाज में वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं, उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो ये चरणजीत इस पंजाब के अंदर 1,00,000 बॉबी पैदा करने का काम करेगा। हम भी देखते हैं तुम हमारे अधिकारों के साथ में कब तक खिलवाड़ करोगे। और सम्मानित साथियों, रही बात सरकार की, मैं आपको बताना चाहता हूं ये माननीय साहब काशीराम जी का जमाना है। आज की डेट में अगर 272 एमपी से सरकार बनती है तो हमको 272 एमपी जीतने की जरूरत नहीं है, हमें तो किसी भी कांग्रेस और बीजेपी के 272 एमपी होने नहीं देने हैं। केवल हमें इतना काम करना है, हमें 272 की 73 जीतने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होगा, आपने झारखंड को देखा होगा, वहां पे 85 एमएलए की सीट कांग्रेस जीत गई 42, बीजेपी जीत गई 42, एक जीत गया निर्दलीय, सरकार बनती है 43 से। कांग्रेस ने कहा है निर्दलीय भाई अपना समर्थन मुझको दे दे, मैं तुझे मंत्री बनाऊंगा। बीजेपी ने कहा नहीं मुझको दे दे, कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा, बड़े बड़े 4 मंत्रालय दूंगा। वो घूमता घूमता माननीय साहब काशीराम जी के पास पहुंचा और कहने लगा सारी विपता बताई, तो साहब काशीराम ने कहा अरे मेरे भाई, जब तेरे बिना किसी की सरकार बढ़ ही नहीं सकती, बिकने का तो कोई डर ही नहीं है, तो जाकर के कहते मैं भी चाहता हूं द्वारा चुनाव ना हो, मैं भी चाहता हूं जनता का पैसा खराब ना हो, मैं भी चाहता हूं तुमको समर्थन दूं। मैं तुम्हें समर्थन तो दे दूंगा लेकिन मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। एक अकेला मुख्यमंत्री बना, नाम था मधु कोड़ा, पूरे 5
पांच साल मुख्यमंत्री हमारे एसटी समाज से था। आपके उत्तर प्रदेश में देखा बीजेपी के 95 1995 में बीजेपी के 150 और बीएसपी के 67। इस देश के सबसे बड़े आदमी ने कहा मान्यवर साहब काशीराम को, जाओ हम तुम्हारे बारे में सोचते थे कि तुम हमें अपने समर्थन दोगे, लेकिन तुमने क्या कर दिया। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी ये जगजीवन राम नहीं, इसका नाम है काशीराम। ये जानता है अगर मेरी सरकार तुम्हारे बिना नहीं बन सकती तो तुम्हारी सरकार भी मेरे बिना बनने वाली नहीं है। और 3 जून 1995 को आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम हुआ। है मेरे समाज के लोगों, उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है, 2 सीटें छोड़ी है। अगर उस आदमी ने, उस पप्पू ने अगर बहन जी के द्वारा दी हुई उन 2 सीटों पे जिक्र नहीं किया, नहीं सोचा, तो वहां पर भी हम लोग, हमारी बहन जी का जो निर्णय आएगा, अगर आ गया बहन जी का निर्णय तो उन 2 सीटों पर भी हम उनके माँ और उनके मम्मी और बेटे को, दोनों को वहां से हराने का काम करेंगे। जब वहां जीतने ही नहीं देंगे तो आप प्रधानमंत्री कैसे बनोगे। हम तो कहते रहते हैं ये प्रकृति का नियम है, जैसे R4 रावण के आतंक को इन लोगों ने हमारे महापुरुष को समाप्त करने के लिए राम पैदा किया, K4 कंस को समाप्त करने के लिए K4 कृष्ण कैप पैदा किया। जब इस देश में बापू का आतंक चल रहा था, बापू ने कहा अम्बेडकर मैं तेरे समाज को आजाद नहीं होने दूंगा, तो बापू से बाबा साहब ने कहा हे गांधी तू तो तू, तेरा बाप भी आ जाए, तेरा बाप तो बाप, तेरा 33 करोड़ देवी देवता भी आ जाए, तब भी तू मेरे समाज को आजाद होने से बचा नहीं पाएगा। सम्मानित साथियों, B4 बापू को समाप्त करने के लिए इस कुदरत में B4 बाबा साहब को भेजने का काम किया। आज जब इस देश में मोदी का आतंक चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए आपने देखा सारे समीकरण सेट होते जा रहे हैं। इस प्रकृति ने M4 मोदी को समाप्त करने के लिए M4 मायावती बहन जी को भेजने का काम हुआ है। मेरे समाज के लोगों, मैं तो कहता रहता हूं हमारे मुस्लिम भाई यहां पर बैठे हुए हैं, सारा गठबंधन होने जा रहा है, उनको भी बताना चाहता हूं इनकी नंगी तलवारों से डरना बंद कर दो, जय श्री राम के नारों से डरना बंद कर दो। अगर इस देश में आप नमाज पढ़ना चाहते हो, औरतों को बुरका पहनाना चाहते हो, मस्जिद बनाना चाहते हो, अपने ही धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो जाओ हम आपको वचन देते हैं हमारे पीछे आके खड़े हो जाओ। ये भीम के सिपाही तुमको वचन देते हैं दुश्मन की आने वाली गोली को अपने सीने पे खा लेंगे, लेकिन तुम्हें खरोच नहीं आने देंगे। हे मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, मैं तो कहता हूं ये गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, पूरा देश परेशान है, किसानों की फसल परेशान है, अब इन्होंने निर्णय भी लिया है। मैं तो कहता हूं गाय को ले लो आप लोग और राज को दे दो हमें, तुम्हारे बस की नहीं है। तुम पशुओं को स्वच्छ रखना चाहते हो, हम इंसान को स्वच्छ रखना चाहते हैं। अगर इंसान स्वच्छ नहीं रहेगा तो गाय की सुरक्षा कौन करेगा भाई है? और याद रख रहे मेरे भोजन समाज के लोगों, बात हमेशा ताकतवर की मानी जाती है, कमजोर की बात कोई नहीं मानता इस दुनिया में। ताकत है कहां? ताकत खेत में नहीं है, ताकत नौकरी में नहीं है, ताकत बिजनेस में नहीं है, ताकत मंदिरों में नहीं है, ताकत देवी देवताओं में नहीं है। अगर ताकत देवी देवताओं में और मंदिरों में होती, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के मंदिर को मुख्यमंत्री नहीं बनता छोड़ करके। इसलिए ताकत का एक स्थान है जिसका नाम है राजनीति, आप लोगों ने करना सीख लिया है। इसीलिए ये लोग सम्मानित साथियों कभी ईवीएम में घोटाला करते हैं, कभी कहीं पे घोटाला करते हैं। ईवीएम में घोटाला करना इस बात को प्रमाणित करता है उनकी विचारधारा में दम नहीं है। अगर उनकी विचारधारा में दम होता तो बीजेपी के पास वोट बैंक होता, और बीजेपी के पास वोट बैंक होता तो ईवीएम में घोटाला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए मेरे समाज के नौजवान साथियों, सभी बिरादरी धर्म के लोगों को जाकर के समझाओ, शिक्षा रोजगार पाना है तो बहन जी को पीएम बनाना है। इन
मंदिरों के चक्कर में औरों के चक्कर में पढ़ना बंद करो। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप लोग सुनते भी रहते हैं, मैं कहना चाहता हूं अन्याय से लड़ते हुए अगर आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेंगी, परंतु अगर आप लोग अन्याय को सहते सहते मर जाओगे तो आगे वाली पीढ़ी आपकी गुलाम बन जाएगी। इसलिए आप लोगों को अन्याय से हमेशा लड़ते रहना है। आगे के प्रोग्राम होते रहेंगे, बहुत भी और बहुत से काम हैं, और मैं कहना चाहता हूं बहन जी के सम्मान में, मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं, बहना तेरे सम्मान में पलके बिछा के छोड़ेंगे, 2014 का बदला 19 में लेकर के छोड़ेंगे। अभी तो तेरे भाइयों ने राजनीति में कदम रखा है, 2019 में बहन जी तुम्हें इस देश का पीएम बनाने के बाद इस नरेंद्र मोदी से फिर से चाय बिकवा करके छोड़ेंगे। ये बहुत बोलता है, मैं चाय भी बेचता था, जाओ भैया चाय तुम बेचो, आप लोग इस ताम झाम को हमें दो राजनीति। ये बहुजन समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, गरीब समाज लोग आएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी साथी पहुंचे, आप सभी का धन्यवाद करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ सभी का पुनः धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। आप लोग यहाँ पहुंचे सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद, खुदा हाफिज। धन्यवाद। अब अगली कड़ी में